इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि जो वसीम रिजवी शिया वब बोर्ड चेयरमैन उत्तर प्रदेश, जो अक्सर किसी न किसी तरीके से इस्लाम के ऊपर निशाना साधता रहता है, इस्लाम दुश्मनी निभाता रहता है, लोगों का कहना है कि वो ये हुकूमत का पिट्टू है जो आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकता रहता है। लिहाजा फिर से उसने एक गुस्ताखी की है माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर एक फ़िल्म बनाकर, जिसमें उसने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी की है, जिसे लेकर यहाँ पर कई सारी तंजीमें बेलगाम शहर की और जमातें इकट्ठा हुई और वो अपना मुतालबा पेश कर रही है। वैसे तो इस बात को लेकर पूरे मुल्क में गमो गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात भी दायर किए जा चुके हैं। बेलगाम शहर में भी कई सारी जमातें और यंग कमेटी और तंजीमें यहाँ पर है, उन्होंने अपना मुतालबा भी पेश किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं टिपू सुल्तान संघर्ष समिति के आरिफ कटगरी साहब। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है और किस तरह से इस फिल्म को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, वसीम रिजवी जो है ये मुसलमान नहीं है, ना कि वो शिया मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है। ये एक्चुअली आरएसएस और भगवा तंजीमों का एक टट्टू है। मुल्क के अवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है इस तरह की फिल्में बनाकर, जहाँ हिंदुस्तान की मईशियत ख़राब होते जा रही है, वहाँ पर माइंड डाइवर्ट न हो अवाम का, इसलिए बात फिल्म बनाकर जो है हिंदू मुस्लिम बोलकर लड़वाना चाहता है। बेलगाम शहर द एला जमात तंजीम कमिटी अध्यक्ष मत एला जन कूड़ी इले वसीम रजवी शिया बोर्ड ऑफ द चेयरमैन नम इस्लाम धर्मद ताई आदंत आयशा रज़ियल्लाहु सिद्दीक रज़ियल्लाहु संबंध में फिल्म माता फिल्म ಅತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ದು ಏನು ಮನವಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸೀಮ್ ರಜವಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆಜ್ ಬೆಳಗಾಂಕ್ಕೆ ಸಾರೆ ಜಮಾತ್ ಔರ್ ತಂಜೀಮೆ ಔರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಜೊ ಹೈ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹಬ್ಕೊ ಜೊ ಹೈ ಏಕ್ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಸಿಯಾ ವಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾ ಚೇರ್ಮನ್ वसीम रिजवी बोल के जो है माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पर जो है पिक्चर बना रहे हैं, उसमें बहुत सी गुस्ताखियाँ हुई हैं। पहली बात तो ये पिक्चर बनना नहीं है, बन गई है तो इसको पिक्चर को बैन किया जाए, रिलीज़ ना होने दी जाए। अगर रिलीज़ हो गई पिक्चर, अगर कोई टाके पर आ गया तो कुछ भी अगर नुकसान हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार कर्नाटक सरकार और जो है सेंट्रल में बीजेपी सरकार खुद रहेगी इसकी जिम्मेदार। आज हम तमाम बेलगाम के ज़्यादातर जमातें और कसीर तदाद में तंजीमें भी इसमें शामिल हैं, आज इसलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम सब जमा होकर के डीसी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किए हैं। और वो इस बात के लिए है कि यूपी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, उसने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक एक फ़िल्म बनाया है जिसमें गुस्ताखाना मनाजिर फिल्माए गए हैं और उसको रिलीज़ करने की कोशिश में है। अगर वो रिलीज़ होता है तो सबके मजहबी जज्बात जो है उनको टेंस पहुंचती है और अमन अमान को ख़तरा पैदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हुकूमत से गुजारिश करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कोई भी किसी भी जो है मकतबे फ़िक्र से हो सकता है या किसी भी जो है फ़िरक़े से हो सकता है, मगर असलाफ़ की गुस्ताखी की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। असलाफ़ की गुस्ताखी और बुज़ुर्गों की गुस्ताखी, और वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शान में गुस्ताखी हो रही है, तो कोई भी मुसलमान भले वो किसी भी मकतबे फ़िक्र का क्यों ना हो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, बंद किया जाए, रिलीज़ होने ना दिया जाए। अगर रिलीज़ होती है तो कुछ भी हो सकता है, अमन अमान को ख़तरा पैदा हो सकता है, तो लिहाजा इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आएगी, वो भले रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो। लिहाजा हम अदबन गुजारिश करते हैं कि फौरन से पेशतर इस फिल्म पर बैन लगा करके जो है अमन अमान को बहाल रखें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद वसीम रिजवी मुर्दाबाद। देश के अंदर बहुत सारे मसाइल सर उठाए हुए हैं, जहाँ पर बेरोज़गारी है, गरीबी है, किसानों की खुदकुशी है, लिहाजा गिरती मीशत के
इस जहन को डाइवर्ट करने के लिए, आवाम के जहन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मसाइल आए दिन भाजपा हुकूमत की जानिब से ली जा रही है, और फिर ये भी एक इसी तरह का एक शोशा है जो उन्होंने इस तरह की हरकत की है। लिहाजा आप देखना है कि हुकूमत इसे कितना संजीदगी से लेते हुए इस फिल्म को रोकने की कोशिश करेगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।